आज इस वीडियो के माध्यम से आपको टीबी के बीमारी जिसे हम लोग यक्ष्मा का रोग बोलते हैं उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। और ये कुछ हद तक नाटक के जैसा है कि जैसे कि आपको जो मरीज है वो बताएंगे क्या दिक्कत होता है, फिर हम चर्चा करेंगे इस बीमारी के बारे में। तो सबसे पहले लोग ये जानना चाहते हैं कि अगर किसी को टीबी हो गया है तो उसको क्या दिक्कत होती है, कैसे पता चला कि किसी को टीबी हो सकता है, इसी स्थिति में माने उसका लक्षण क्या है। तो यहाँ पर इससे बात करते हैं। ये मान लीजिए अभी ये मरीज है और इससे पूछेंगे आपको दिक्कत क्या होती है, बताइए क्या दिक्कत होती है आपको। ये खांसी लगभग 2 या 3 सप्ताह से हो रहा है, होता रहता है, और खांसी में कभी कभी होता है, ब्लड आ जाता है, और शाम के समय बुखार भी आ जाता है, और लगातार बुखार आते ही रहता है जब तक कोई दवा प्रास्टिबल कोई ये सब दवा खाए नहीं तब तक बुखार उतरता नहीं है। खांसी बार बार होता रहता है, सुबह सुबह खांसी होता रहता है, कभी कभी रात में पसीना भी आ जाता है। अच्छा ठीक है। तो खासकर टीबी की बीमारी के बारे में जो चर्चा हुआ इसमें है कि अगर किसी को बुखार आ रहा है और बुखार लंबे समय से, ऐसा नहीं कि कल 2 दिन का बुखार, ऐसा नहीं है, लगभग बुखार 2 सप्ताह का है या उसे खांसी 2 सप्ताह का है, और खांसी खास करके जो हो रहा है आपको ठीक नहीं हो रहा है, ये जो परिस्थिति है इसमें आपको टीबी बीमारी की संभावना बन जाती है। और खासकर उसके साथ साथ वजन कम हो गया और सीना में दर्द हो रहा हो, और सीना का दर्द खास करके हम लोग जैसे बताते हैं कि खांसते हैं उस वक्त दर्द होता हो, तो ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं टीबी की बीमारी को इशारा करता है। और इसमें हम लोग पूछ सकते हैं, अगर कोई मरीज है तो उससे पूछ सकते हैं कि आपके घर में किसी और सदस्य को ऐसा दिक्कत हुआ था या टीबी का इलाज चला था कि नहीं चला था। इस तरह से हम लोग टीबी के बारे में जानकारी हासिल करते हैं कि टीबी किसी को हुआ है कि नहीं, और टीबी किसी को हो गया है तो हम पता कैसे करते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इनसे हम पूछते हैं कि वजन कमा है कि नहीं कमा है। तो अगर हम जब ऐसा पूछेंगे तो अक्सर लोग बोलेंगे मेरा वजन पहले जो ठीक था अब घट गया है। वजन घटने का सबसे जो तरीका होता है कि जो कपड़ा हम पहनते हैं रोज़ वो कपड़ा ढीला होने लगता है, और इसको पकड़ने का बीमारी पकड़ने पता करने का उपाय है कि उसका हम बलगम का जांच करा कर देखते हैं, और बलगम के अंदर जो है उसका एक बैक्टीरिया होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नाम का एक बैक्टीरिया होता है, जो कि उसके बलगम के लेकर के और माइक्रोस्कोप जब देखा जाता है तो मिलता है। तो हम कहते हैं हाँ कि टीबी बिल्कुल ही कन्फर्म है। साथ में उतना ही नहीं, हम सीने के एक्सरे कराते हैं, चेस्ट एक्सरे, और चेस्ट एक्सरे के माध्यम से हम लोग भी टीबी को पकड़ते हैं कि चेस्ट टीबी है कि नहीं। खास करके टीबी का जो सीने का चेस्ट एक्सरे मतलब वह सीना का एक्सरे, तो टीबी का बीमारी जब हो जाता है तो उसके सीने के एक्सरे का जो ऊपरी हिस्सा होता है, हम लोग बोलते हैं अपर 1/3 जिसको बोलते हैं अपर जोन बोलते हैं, यानी ऊपरी हिस्सा में खासकर फाइंडिंग रहता है, मैंने गड़बड़ रहता है। और थोड़ा फिर से हम बता दें कि ये टीबी की बीमारी में खास करके लोगों को बुखार, खांसी, वजन कम हो जाना, और ये अगर है तो उसका एक्सरे कराते हैं और बलगम का जांच कराते हैं, जहाँ पे कि एक्सरे में कुछ बीमारियां नज़र आती है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एक कैविटी है। कैविटी का मतलब होता है एक जगह जिसके अंदर कुछ जगह हो, खाली जगह हो, ये कैविटी है। अगर इस तरह कैविटी दिख रहा है, और ख़ास करके हम अभी बात कर रहे थे आपसे कि जो सीना का एक्सरे होता है उसके ऊपरी 1/3 मतलब ऊपर का 1/3 हिस्सा में खासकर गड़बड़ है तो टीबी की संभावना होती है। वैसे गड़बड़ कहीं भी हो तो भी टीबी हो सकता है, लेकिन टीबी के ज़्यादातर मरीज में का एक्सरे के जो जो मिलता दिखता है खासकर ऊपरी हिस्सा में मिलता है, क्योंकि टीबी का बैक्टीरिया ऑक्सीजन से जिंदा रहता है और ऊपर के हिस्सा में ऑक्सीजन ज़्यादा रहता है, इसलिए खासकर ऊपरी हिस्सा में टीबी कैविटी मिलता है। और कैविटी मिलेगा तो अक्सर चांस संभावना है कि वो बलगम के जांच में बैक्टीरिया मिलेगा, और बैक्टीरिया का जांच करके हम लोग बहुत ही कॉन्फिडेंस का कह सकते हैं बहुत उसको, आप अगर बैक्टीरिया मिल रहा है तो टीबी है ही। और खासकर टीबी की बीमारी का जब सही से इलाज नहीं करिएगा, जैसे देख रहे हैं फेफड़ा के इतना हिस्सा अब डैमेज हो चुका है तो और भी हिस्सा डैमेज होगा, और ये डैमेज बढ़ता जाएगा जब तक कि व्यक्ति मर नहीं जाता है, क्योंकि आप जान रहे होंगे शरीर के जितने भी हिस्से, चाहे फेफड़ा हो, चाहे हार्ट हो, चाहे दिमाग हो, अगर कोई भी एक हिस्सा अगर आपका काम करना बंद कर जाता है तो उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। इसीलिए जो है अगर टीबी में भी वही होता है, अगर फेफड़ा बिल्कुल डैमेज हो जाएगा तो आदमी मर जाएगा, या तो उससे पहले बीमारी और भी बुखार होने से भी या और परेशानी होने से भी मर सकता है, लेकिन फेफड़ा भी डैमेज होने से आदमी मर सकता है। तो अगर टीबी बीमारी किसी को पता चल गया है, खासकर बलगम जाँच कराएँ, एक्सरे कराएँ और डॉक्टर से सलाह ले,
और उसमें अगर टीबी बैक्टीरिया आ जाता है या डॉक्टर को बहुत ज़्यादा उम्मीद लगता है कि टीबी है, अगर उसे घर के किसी और मेंबर को हुआ है तो ऐसे में जो है टीबी का इलाज चालू होता है। और इलाज जो है उसका अभी 6 महीने का उसका कोर्स है, 6 महीना दवा खाना होता है और दवा बीच में बंद नहीं करना होता है। शुरू के 2 महीना हम लोग बोलते हैं उसको बोलते हैं इंटेंसिव फेज, यानी उसमें दवा 4 दवा का जो दिया जाता है उसमें 4 दवा रहता है। आजकल उस दवा को देने का तरीका है फिक्स डोज कम्बिनेशन। फिक्स्ड डोज कम्बिनेशन का मतलब होता है कि एक व्यक्ति के वजन के हिसाब से जो डोज होना चाहिए वो एक ही टैबलेट में बना करके उस तरह बना रहता है उस तरह से। जैसे कि किसी का वजन अगर 45 kg है तो उसके हिसाब से बना हुआ, किसी का वजन अगर 30 kg है तो उसके हिसाब से बना हुआ, तो उस हिसाब से आप सीधे सीधे दवा ले करके सीधे दे देना, दिन में एक बार खा लेना है, बस हो गया। और इस तरह से 2 महीना खाना है, जिसमें कि इंटेंसिव फेज जो शुरू का जो ज़्यादा शक्तिशाली दवा देते हैं उसमें 4 दवा का मिक्स रहता है, कम मिक्सर बना हुआ। और जब फिर उसके बाद जो है बाकी जो 4 महीना बचा, जैसे 2 महीना खा रहे हैं 4 दवा वाला और बाकी जो 4 महीना बचा उसमें 3 दवा वाला कम्बिनेशन चलता है, सब मिलाकर 6 महीने का कोर्स होता है। कोर्स टूटना नहीं चाहिए, रुकना है, बंद नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर आपको कोई दिक्कत होती है खास करके आपके शरीर में अगर जॉन्डिस हो गया, भूख बिल्कुल ख़राब हो गया हो, तो या और भी कोई दिक्कत हो जैसे रिएक्शन करता हो, उस तरह से कोई दिक्कत हो, तो आपको डॉक्टर संपर्क करना चाहिए और उस वक्त में आपको दवाई को बदल करके फिर सही दवाई चलाया जाता है। अक्सर लोगों का प्रश्न उठता है कि खाना में क्या खाना चाहिए, तो आप जान ही रहे हैं कि चूँकि दवा शक्तिशाली दवा होती है और दवाई आपके लीवर पे असर भी करता है, इसलिए कभी कभी किसी किसी में अगर लीवर में कोई दिक्कत आ जाती है या पहले से ही कोई लीवर कमज़ोर है तो आपका लीवर जवाब दे देता है, यानी लीवर फेल करने लगता है और हम बोलते हैं कि दवाई के कारण से हिपेटाइटिस हो गया, उसको बोलते हैं लोग ड्रग इंड्यूस्ड हिपेटाइटिस, यानी दवा के कारण लीवर फेल कर रहा है। तो ऐसे मरीज में मिले क्या, जॉन्डिस हो जाएगा, भूख खत्म हो जाएगा, मरीज एकदम खाना बंद कर, मरीज का वजन और भी घट जाएगा, मरीज की स्थिति और भी ख़राब हो जाएगी। तो वैसे स्थिति में हम लोग बोलते हैं कि आप डॉक्टर संपर्क कीजिए और डॉक्टर ऐसी दवा देते हैं जिसका लीवर पर असर नहीं हो। हाँ, टीबी में एक दवाई होती है जो आप जान रहे हैं कि सारा जो मेडिसिन है हमारे शरीर में जो जाता है या तो लीवर की सहायता से बाहर निकलता है या किडनी की सहायता से, तो ऐसे में जो लीवर से सहायता से निकल रहा है वैसे मेडिसिन को हटा करके जो किडनी पर से निकल रहा है उसको किडनी से निकलेगा, ऐसे मेडिसिन को लिखते हैं। तो इस तरह से जो है हम लोग टीबी के मरीज में इलाज करते हैं। आप देख रहे होंगे एक्सरे बार बार देख रहे हैं, तो टीबी के मरीज में सबसे पहले जाने के लक्षण क्या है, तो लक्षण है कि किसी को खांसी अगर 2 हफ्ते ज़्यादा है, बलगम आ रहा है उसमें अगर या तो खून भी आ रहा है या बुखार लग रहा है, वजन घट रहा है और खास कर घर के किसी और मेंबर को भी टीबी बीमारी है, तो टीबी बीमारी का जांच जरूर करा लेना चाहिए, खास कर बलगम जाँच करा लेना चाहिए। और सरकार अभी प्रयास में है कि किसी का टीबी रहे ही नहीं इस देश में, इसलिए इसमें भी सहयोग लोगों को करना चाहिए, जाकर के अगर किसी को खांसी होता है तो उसको बताना चाहिए कि आप जाकर टीबी का जांच करा लीजिए। और टीबी का जांच गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ब्लॉक लेवल पे जो PHC होता है प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, उसमें भी मुफ्त में किया जाता है, पैसा नहीं लिया जाता है। इसलिए अपना अपना जो भी जिसको दिक्कत किसी को लगे आपको कि आपके कोई साथी है, आपका कोई दोस्त है या कोई रिश्तेदार है, किसी को भी इस तरह से प्रॉब्लम है तो उनको समझाइए कि आप टीबी का जाँच जाकर करा लीजिए। क्योंकि आप जान रहे हैं अगर कोई टीबी का मरीज अगर खांसता है तो जब खांसता है तो उस वक्त जो है हवा के अंदर बहुत सारा कण निकलता है। आप देखते होंगे जाड़ा के महीने में जैसे आप सांस लेते हैं तो देख रहे होंगे सांस निकलता है और आप दिखाई पड़ता रहता है, हर महीने में ऐसा निकलता है, चूँकि जाड़ा के महीने में मौसम टेम्परेचर कम रहता है इसलिए दिखाई पड़ता है। तो इसलिए टीबी का मरीज अगर ज़ोर से खांसता है तो उस वक्त खांसता है उस वक्त सारा बैक्टीरिया हवा में निकलता है और उस वक्त वहाँ पर कोई सांस ले लेता है तो उस बैक्टीरिया शरीर में चला जाता है। अगर वो व्यक्ति किसी कारण बस उस वक्त कमज़ोर है, उसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, तो टीबी सीधे सीधे आकर के शरीर में बैठ जाता है और टीबी उसको भी हो जाता है। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि अगर किसी को इस तरह से लंबे खांसी हो या किसी को खांसी भी हो तो खांसने वक्त जो है कोई रुमाल या कोई कपड़ा लेकर ढक लेना चाहिए और खांसी, ताकि उसमें बाहर हवा में ज़्यादा जाए नहीं। या किसी को खांस रहा है आप वो रोक नहीं सकता है तो आप अपने मुँह को ढक ले तो आप बच सकते हैं उसके टीबी से। तो कोई अगर दोस्त है या कोई आप साथी है, कोई रिश्तेदार है, उसको ऐसा तो जांच करवा दे ताकि इलाज हो जाएगा। इलाज हो जाए, सही इलाज किसी का शुरू होता है तो लगभग 2 सप्ताह में या 3 सप्ताह तक में उसके खांसी में टीबी का बैक्टीरिया निकलना बंद हो जाता है, इस तरह से टीबी फैलना ही बंद हो जाता है। धन्यवाद।